जहां पूरे प्रदेश के अस्पतालों में मेडिपर्सन एक्ट के लिए डॉक्टर पेंडोल स्ट्राइक पर रहे, वहीं हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में आज मरीजों को कुछ राहत जरूर मिली, क्योंकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पेंडोल स्ट्राइक नहीं थी, जिसका कारण डॉक्टरों ने सुबह से ही मरीजों को सेवाएं दी। नए मेडिकल कॉलेज होने के चलते पेंडोल हड़ताल की समय पर सूचना नहीं देने के कारण ये हड़ताल टल गई है, लेकिन आगामी कल यानी कि वीरवार को हड़ताल जारी रहेगी। जहां पूरे प्रदेश भर में अस्पतालों में मेडिपर्सन एक्ट के लिए डॉक्टर पेन डाउन हड़ताल पर रहे, वहीं हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज में आज मरीजों को कुछ राहत मिल सकी, क्योंकि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में पेन डाउन हड़ताल नहीं की गई, जिस कारण डॉक्टरों ने सुबह से ही मरीजों के लिए सेवाएं दी। नए मेडिकल कॉलेज होने के चलते पेन डाउन हड़ताल के समय रहते सूचना नहीं दिए जाने से हड़ताल टाली गई है, जिसे आगामी कल किया जाएगा। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर अभिषेक सिंह ने बताया कि नया मेडिकल कॉलेज होने के चलते समय पर प्रिंसिपल को सूचना नहीं दी जा सकी, जिस कारण एक दिन के लिए पेन डाउन हड़ताल को हमीरपुर में स्थगित किया गया था, जिसे आगामी दिन किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक केवल मात्र आश्वासन ही देने में लगे हुए हैं, लेकिन इस बार डॉक्टर अपनी मांगों को मनवाने के लिए उग्र आंदोलन भी करने के लिए तैयार हैं। जी, कॉल ऑफ तो नहीं मैं कहूँगा कि एक दिन हमने इसको डेफर किया है प्रोटेस्ट को, क्योंकि आज क्योंकि एक नया मेडिकल कॉलेज है और इसकी कोई अभी एसोसिएशन नहीं है, तो पर जो जूनियर्स और डॉक्टर्स सीनियर रेजिडेंट ने डिसाइड किया है कि एक इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है प्रशासन को या प्रिंसिपल को कि मेडिकल कॉलेज में मतलब ओपीडी बंद रहेगी 2 घंटे, क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन के थोड़े मरीज भी ज़्यादा सफ़र हो गए। अगर पहले ही प्रिंसिपल को ये पता होगा कि नहीं होगा तो वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर सकते हैं वो ओपीडी पेशेंट्स देखने के लिए, तो इसलिए फिर हमें ये कल तक डेफर किया है और आज इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को दे के हम इसको कल से लागू करेंगे। बस एक दिन डेफर किया हमने, पोस्टपोन या फिर मतलब इसको बंद नहीं किया है, बस कल से लागू होगी पेन डाउन स्ट्राइक। जी हाँ जी, बिल्कुल मांग अड़ी है। अभी मंडी में अभी तक वो कल्प्रेट आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, जो एक फीमेल डॉक्टर के साथ जिसने मैन हैंडलिंग की थी, तो वो हम चाहते हैं कि जल्दी से उसको हाशिए पे लाया जाए या फिर उस पर ऊपर कोई एक्शन हो। एमरजेंसी भी चलेंगी जी, और वार्ड के राउंड्स भी होंगे, पर 9:30 से 11:30 तक ओपीडी नहीं बैठेंगे। जी, हेल्थ मिनिस्टर का काम है स्टेट की हेल्थ को चलाना और हमारा भी काम है स्टेट की हेल्थ को चलाना, पर अब कुछ रीजंस हैं जिनके कारण हमें करनी पड़ रही है, पर सफ़र तो थोड़ी जनरल पब्लिक भी हो रही है और मार हम खा ही रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हेल्थ मिनिस्टर भी थोड़ा हमें सपोर्ट करें। आपको बता दें कि प्रदेश मंडी जिला में महिला डॉक्टर के साथ मारपीट से लेकर घुमारवीं में बीएमओ के सस्पेंड करने के मामले पर प्रदेश भर के डॉक्टरों में रोष पनपा हुआ है। इसी के चलते गत दिवस भी डॉक्टरों ने ब्लैक टैग लगाकर प्रदर्शन किया था, लेकिन हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल को सूचना टाइम पर नहीं दिए जाने के चलते 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल नहीं हो सकी है। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।